अब देखिएगा, इस ये आता है आपका आर्टिकल 3 में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चेंज नेम, फॉर्म न्यू स्टेट एक्सेट्रा, जो भी हैं, अगर उनमें ऐसे चेंजेस लाने हैं, आर्टिकल 3 के बारे में बात कर रही हूँ, अगर कोई भी चेंजेस ऐसे लाने हैं, तो उसकी जो भी रिलेटेड बिल है वो इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, ओनली बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. रिकमेंडेशन किसकी? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के थ्रू. और प्रेसिडेंट जो है उस बिल को शो करेंगे किसके पास? स्टेट लेजिस्लेचर के पास. तो सबसे पहले बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, देन विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट वो बिल शो करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को. और जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर अगर उस चीज़ को रिजेक्ट करता है तो वो उनकी बात माने. इसके बाद आता है आपका रीऑर्गेनाइजेशन. स्टेट से रिलेटेड कुछ आपकी कमीशंस एंड कमिटीज़ बनी थी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कमिटी है आपकी धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी. जेवीपी कमेटी सबसे पहले आता है. इसमें क्या हुआ था, धार कमीशन में आपके एक डिमांड अराइज हुई थी कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेट्स का होना चाहिए ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. और पर्टिकुलरली ये डिमांड जो है आपकी साउथ इंडिया से हुई. साउथ इंडिया से ये डिमांड हुई कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट क्रिएट किया जाए. जून 1948 में एक अपॉइंट की गई लिंग्विस्टिक कमेटी अंडर एस के धार, जिसके चेयरमैन थे एस के धार, इसके चेयरमैन थे. सबमिट कर दी गई रिपोर्ट 1948 में. तो एस के धार की रिकमेंडेशंस क्या थी कि जो स्टेट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनाई जाए रेदर देन लिंग्विस्टिक बेसिस. यानी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस उसमें देखा जाए, ना कि वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने. ये रिकमेंडेशन हुई धार कमेटी के अंडर. इसके बाद इस सब चीज़ों को देखते हुए, जब उन्होंने देखा कि ये डिमांड अभी भी अराइज हो रही है, एक अनदर कमेटी आपकी बनाई, जेवीपी कमेटी. जेवीपी कमेटी बनाई गई. इसमें क्या है आपका, इन्होंने भी ये रिजेक्ट कर दी डिमांड स्टेट बनाने की लिंग्विस्टिक बेसिस पे. उसके बाद क्या होता है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोर्सफुली एक आपकी फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनानी पड़ी 1953 में. गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन 1953, और वो स्टेट थी आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश जो है आपकी फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है. और कब बनी है ये? 1953 में आपकी ये स्टेट लिंग्विस्टिक स्टेट बनी है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आपकी कौन सी बनी है. आंध्र प्रदेश बनी है 1953 में बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज विद मद्रास. तो ये है आपका फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश. इसके बाद हम पढ़ेंगे फजल अली कमीशन. और भी इसके कमीशंस हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है धार कमीशन. तो धार कमीशन में एस के धार जो चेयरमैन थे इसके, उनके अंडर डिमांड रिजेक्ट कर दी गई लिंग्विस्टिक बेसिस की स्टेट की, कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होनी चाहिए ना कि आपके लिंग्विस्टिक बेसिस पे. अनदर जो है आपकी कमेटी बनाई गई, वो बनाई गई जेवीपी कमेटी. जेवीपी कमेटी ने भी डिमांड रिजेक्ट कर दी. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फोर्स टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज आंध्र प्रदेश इन 1953 में. ये स्टेट बनी किसको सेपरेट करके? तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को मद्रास से सेपरेट करके. तो थैंक यू. अब सेकंड आपका जो पार्ट है वो जल्दी आएगा.